25,100 का हाई बना के गाइस निफ्टी आ चुका है अब 24,000 के आसपास। 24,000 के आसपास आया सर, क्यों है? सारा ग्लोबल मार्केट्स, सब ग्लोबल मार्केट्स। ग्लोबल मार्केट्स में क्या, यूएस में जो अनएम्प्लॉयमेंट डेटा है वो काफ़ी हाई आया इस बार, और उनका एक सैम इंडिकेटर होता है। वो जो सैम इंडिकेटर का काम क्या है कि वो एक तरीके से रिसेशन को प्रिडिक्ट करता है, और 100% की एक्यूरेसी है उसकी। वो 3 महीने का एक एवरेज निकालता है अनएम्प्लॉयमेंट डेटा का, और वो जो अनएम्प्लॉयमेंट डेटा है इस बार सैम इंडिकेटर में क्रॉस हो चुका है। तो उससे क्या है, रिसेशन एक ट्रिगर हुआ है, लोगों को लगा कि यार ये तो रिसेशन आने वाला है, तो सब ने अपना माल बेचना शुरू कर दिया। उससे पहले ये जो जापानीज के जो 13% का फॉल है वो इतना बड़ा है ड्यू टू जो उनका इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ गया था। उसके बाद ये न्यूज़ है यूएस की, एंड फिर वॉरेन बफे की न्यूज़ है कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हिस्सा जो है अपने पोर्टफोलियो में खाली कर लिया है। तो इन सब चीज़ों के चक्कर में ग्लोबल अच्छा खासा सेल ऑफ आया है, जो इंडियन मार्केट्स पर भी दिख रहा है, ठीक है। और उसके साथ ईरान इसराइल के साथ जो वॉर चल रहा है, ये सब चीज़ें कलेक्ट हो चुकी हैं, सारी चीज़ें कलेक्ट हो गई हैं, और इससे एक बहुत ही बेरे से जो सेंटीमेंट है वो चल रहा है इस मार्केट में। इस मार्केट में जहाँ पे आज के टाइम पे अगर आपने नोटिस किया हो, जो इंडिया विक्स है वो 20 को क्रॉस कर गया है, इस मार्केट में कॉशियस रहने की बहुत ज़रूरत है। व्हाट यू कैन डू इज लास्ट, आप इसमें ट्रेडर ना बने। इस मार्केट में आप इन्वेस्ट जरूर कर सकते हैं अगर आपको कोई शेयर अच्छा लग रहा हो और वो नीचे के रेट पे मिल रहा हो, लेकिन अगर आप ट्रेडर बनने की कोशिश करते हो तो प्लीज़ हेजिंग के साथ और अपनी जो क्वांटिटीज़ है उसको 1/4 कर लो।